लगभग 500 स्वास्थ्य परियोजनाएं जम्मू काश्मीर में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से आरंभ की गई हैं। इसमें एम्स, नए मेडिकल कॉलेज, नए नर्सिंग होम, कैंसर संस्थान और बोन और जॉइंट हॉस्पिटल शामिल हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सही मूल्य पर दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज PMJY सेहत की कल्पना की गई है, जो कि 26 दिसंबर 2020 से लागू किया गया है। जम्मू काश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हर नागरिक को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। जम्मू काश्मीर में अब तक 80% परिवारों को इस स्कीम से जोड़ा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले 2 वर्षों में जम्मू काश्मीर में विकास की गति बहुत तेज हुई है। यहाँ विभिन्न योजनाओं के तहत ढांचागत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो आने वाले वर्षों में इस केंद्र शासित प्रदेश का चेहरा बदल देंगी। जम्मू काश्मीर में पिछले 2 वर्षों के दौरान PMJSY कार्यक्रम के तहत 6,452 किलोमीटर की सड़क की लंबाई पूरी गई है और हम अब राष्ट्र में 3रे स्थान पर हैं। वर्ष 2021-22 में 7,610 किलोमीटर सड़क को ब्लैक टॉप किया गया। इस वर्ष 8,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य है और साथ ही साथ हम 150 पुलों को भी इस वर्ष पूरा करेंगे। काजीकुंड बनिहाल सुरंग, जो कि 8.5 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब थी, उसको 3,127 करोड़ रुपए के व्यय से अब पूरा कर लिया गया है और उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसी प्रकार नेशनल हाईवे पर 3 अन्य सुरंगों का काम शुरू हो गया है और शीघ्र ही आप जम्मू से श्रीनगर की यात्रा 4-4.5 घंटे में कर लेंगे। 6 लेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर काम तेज़ी से चल रहा है और इसके लिए भी 8,681 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिस पर 2024 तक काम पूरा होने की उम्मीद है। 3,109 करोड़ की लागत से अखनूर पुंज सड़क को डबल लेन करने व 4 सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। ये भी मार्च 2024 में पूरा किया जाएगा। NH 244 में चुनैली, शुद्ध महादेव, गोहा, खिलौनी, किश्तवाड़, छात्रूट, संबर अनेक ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो कि 4,034 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर हैं और इन्हें अगस्त 23 तक पूरा किया जाएगा। प्रिय दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक देश के ग्रामीण परिवारों को हर घर नल से जल सुनिश्चित करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाया था। आज हम 58% घरों में नल से पानी दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 50 से अधिक है। मित्रों, पर्यटन हमारे केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। इस वर्ष अब तक 1,06,24,000 पर्यटकों ने जम्मू काश्मीर का दौरा किया है, जिसमें 4,500 विदेशी पर्यटक भी हैं। यूटी में सीमा पर्यटन को बढ़ाने के लिए जम्मू जिले के आरएसपुरा तहसील में सुचेतगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पॉलिटेक्निक और ITI में व्यापक सुधार किया जा रहा है। जम्मू काश्मीर के विभिन्न विभागों में उपलब्ध सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए 26,330 पदों की पहचान की गई है और वर्ष 2019 के बाद अब तक भर्ती एजेंसियों द्वारा कुल 19,982 पद भरे गए हैं। किसी भी विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। There will be zero tolerance for corruption। हर प्रकार का भुगतान
डिजिटल पोर्टल से किया जा रहा है। वित्तीय प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण दिन पर हम जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और हमारी सेना के बहादुर जवानों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारी देश की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। हम अपने बहादुर सैनिकों और सुरक्षा एजेंसियों को नमन करते हुए अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमें फिर से संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम उन वीरों के सपनों को पूरा करेंगे जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दी है। पिछले कुछ वर्षों से हम जम्मू व कश्मीर के लिए एक नए युग की शुरुआत, नए आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के उदय को देख रहे हैं। एक बार फिर मैं आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब एक साथ आएं और विकास, शांति, प्रगति और सामाजिक सद्भाव से संकल्पित होते हुए प्रगति की ओर अग्रसर हों। जो दिल में हक उतरता है उसे ईमान कहते हैं, जो सबका दुख समझता है उसे इंसान कहते हैं। कई तहजीबें आपस में यहाँ रहती हैं मिलजुल कर, तिरंगे की उसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। से यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते। बहुत ही जोशीले अंदाज में दहे दे का आदेश दिया असिस्टेंट कमांडेंट चंद्रदीप शुक्ला ने सीमा सुरक्षा बल के ये जवान। ये दस्ता सीआरपीएफ का है देवी और सज्जनों, इसको कमांड कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक। नेतृत्व में उत्कृष्ट सेवा के लिए डीजीएसएसबी गोल्डन डिस्क और कमेंडेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित कॉन्टिंजेंट कमांडर। Smart marching as if in one breath, freedom in their face, pride in their souls. महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हमारी महिलाएं, भारत का गौरव। बड़े ही आकर्षक अंदाज में दाहिने देख का आदेश दिया डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश अकरम ने। 3 बार प्रेसिडेंट मेडल, शेर कश्मीर मेडल, डीजीपी मेडल, डीजीपी सीआरपीएफ। ये दस्ता दाहिने देख की अवस्था में इस्लामी मंच के सामने से गुजर रहा है देवी और सज्जनों। जे एंड के डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंटिंजेंट है, कमान कर रहे हैं डीएसपी ऑपरेशंस जम्मू। मेडल वीरता, पराक्रम, साहस और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यूटीडीआरएफ सेकंड बटालियन कंटिंजेंट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस मोहिंदर की कयादत में किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान पूरी लगन और तनदेही से राहत पहुंचाने को तत्पर, वो भी सबसे पहले। दाहिने देख का आदेश दिया इंस्पेक्टर मनदीप सिंह ने। दाहिने देख का आदेश दिया डिप्टी इंस्पेक्टर अजय शर्मा। And this is the brilliance of NCC College contingents, ladies and gentlemen. अपने चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर मार्च करता हुआ रेखा शर्मा लीडिंग। She is from Government College for Women Parade, has twice remained best cadet in camps and is a national tug of war player. अगला दस्ता देवी सज्जनों, ये श्री रणवीर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं, प्रकर्षक। बहुत जोशीले अंदाज में श्री रणबीर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के ये छात्र पढ़ रही हैं, 12वीं कक्षा की छात्रा साइमा जावे। शुभम बनोत्रा ऑफ क्लास 12, एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर लीडिंग, स्टेट लेवल बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। ये दस्ता हाई सेकेंडरी स्कूल सरवाल के छात्रों का है देवी और सज्जनों। इस दस्ते की कमान कर रहे हैं 12वीं कक्षा के छात्र आकाश कुमार, कक्षा की विद्यार्थी सोनिया देवी।
बहुत ही अनुशासित अंदाज में, बहुत ही आकर्षक अंदाज में ये हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर की छात्राएं कमान कर रही हैं। सुमन कौल 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। प्री चैंपियन ऑफ द स्कूल प्लेज खो खो एंड बास्केटबॉल। कंटिंजेंट कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभु शरण सिंह पहले देव की अवस्था में दस्ता सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान सलामी मंच के सामने से बैंड्स को कई अवार्ड्स और कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं। अनेक ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 34 स्वर्ण एवं 68 रजत पदक हासिल किए। कश्मीर बांध की मनमोहक धुन और तिरंगा भी मानो खुशी और गर्व से थिरक रहा है। बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और ये देखिए अपनी बैंड स्टिक से करतब दिखाते हुए जम्मू कैंट का ये दस्ता और ये बहुत ही आकर्षक अंदाज में दाहिने गवर्नमेंट श्री रणबीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का ये फ्लूट बैंड माणिक बमोत्रा स्मार्ट मार्चिंग करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ता जब ये छात्राएं भारत का गौरव जिन पर भारत को नाज Yeah.
1 अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।